नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की जो पोयम नंबर 3 है कीपिंग क्वाइट, जिसका मतलब है शांत रहिए, जिसे कंपोज किया है पैब्लो नेरुला जी ने, तो इन्हें लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है जो इन्हें 1971 में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, पोयम काफ़ी महत्वपूर्ण है हम लोगों की दृष्टि से। तो देखिए, नाउ माने ऑफ, वी माने हम लोग, विल काउंट गिनेंगे, टू मतलब तक, 12 माने 12। नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी कि अब हम लोग 12 तक गिनेंगे, एंड और वी विल, और हम सभी लोग कीप स्टिल, शांत हो जाएंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, अब हम लोग 12 तक गिनेंगे और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। और कहते हैं फॉर के लिए, वंस एक बार, फॉर वंस एक बार के लिए, और मतलब पर द फेस, यहां धरातल है, चेहरा नहीं है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर एक बार के लिए, लेट्स नॉट, अब बात ना करें, लेट्स नॉट स्पीक, अब बात ना करें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, पृथ्वी के धरातल पर एक बार के लिए आओ किसी भी भाषा में बात ना करें, लेट्स स्टॉप, आओ रुक जाते हैं फॉर वन सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, और एक सेकेंड के लिए आओ रुक जाते हैं, एंड नॉट मूव, और ना हिलाएं अवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को, और आर्म्स का यहां मतलब है अपने अस्त्र शस्त्रों को भी, सो मच, इतना अधिक, अर्थार्थ अत्यधिक, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, आओ एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं और अपने अस्त्र शस्त्रों को और अपनी भुजाओं को अत्यधिक हिलाते रुलाते नहीं हैं। तो कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, पृथ्वी की सतह पर एक बार के लिए आओ किसी भी भाषा में बात ना करें, एक सेकेंड के लिए आओ रुक जाते हैं और अपने भुजाओं और अपने शस्त्रों को या अस्त्र शस्त्रों को अत्यधिक हिलाते डुलाते नहीं हैं। अगला स्टैंड है आपका इट वुड बी, जब ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो कहते हैं इट माने यह, वुड बी होगा, एन एग्जॉटिक, एक अनोखा या विचित्र मूवमेंट माने क्षण, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, तब यह एक अनोखा या विचित्र क्षण होगा, कैसा होगा, विदाउट रस, यानी बगैर शोर भाग दौड़ वाला, रस माने भाग दौड़, विदाउट रस, बगैर भाग दौड़ वाला होगा, विदाउट इंजन्स, यानी कि बगैर इंजनों वाला होगा, अर्थात तो बिना इंजनों के शोरगुल वाला होगा, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन्स, यानी कि तब यह बगैर भाग दौड़ वाला, बगैर इंजनों के या इंजनों के शोरगुल वाला एक विचित्र क्षण या मूवमेंट होगा, अर्थात जब हम कोई क्रिया नहीं करेंगे तो एक विचित्र सा ही लगेगा, वी वुड ऑल बी टूगेदर, वी माने हम लोग, वुड भी होंगे, ऑल माने सभी, टूगेदर एक साथ, वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम सभी एक साथ होंगे, इन मतलब में अ सडन स्ट्रेंजनेस, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि एक आकस्मिक विचित्रता में, यानी कि तब हम एक आकस्मिक विचित्रता में एक साथ होंगे, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टूगेदर इन अ सडन इन स्ट्रेंजनेस, तब यह बगैर भाग दौड़ वाला, बगैर इंजनों के शोरगुल वाला एक विचित्र क्षण होगा और हम सभी लोग एक आकस्मिक विचित्रता में एक साथ होंगे। अगले स्टैंजा की बात करते हैं, फिशरमैन यानी कि मछुआरे, इन मतलब में द कोल्ड माने ठंडे, सी माने समुद्र, फिशरमैन इन द कोल्ड सी यानी कि ठंडे समुद्र में मछुआरे वुड नॉट हार्म, हानि नहीं पहुंचाएंगे, व्हेल्स यानी व्हेल नामक मछलियों को, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी कि ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल नामक मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि कोई क्रियाकलाप नहीं होगा तो मछलियों को ये मछुआरे पकड़ेंगे नहीं, तो उन्हें कोई क्षति होगी नहीं,
कवि कहते हैं कि ठंडे समुद्र में मछुआरे वहल नामक मछलियों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और आगे कहते हैं एंड और द मैन, वह व्यक्ति गैदरिंग इकट्ठा करने वाला, साल्ट माने नमक को, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और नमक को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति वुड लुक देखेगा एट हिज हर्ट हैंड्स, एट मतलब पर, हिज हर्ट अपने जख्मी, हैंड्स माने हाथों को, यानी कि और नमक को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अपने जख्मी हाथों को देखेगा। तो यहाँ कहने का मतलब है जब वह कोई कार्य नहीं करेगा तो अपने बारे में थोड़ा बहुत तो सोचेगा। तो इस लाइन में बताया गया है कि जो लोग अपनी रोजी रोटी रोज कमाते हैं तो उनके पास अपने बारे में भी सोचने का थोड़ा सा समय होगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और नमक को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अपने जख्मी हाथों को देखेगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यह स्टैंड काफी महत्वपूर्ण है, हम लोगों को बहुत कुछ बताएगा। दोज हू, वे लोग जो प्रिपेयर तैयारी करते हैं ग्रीन वास हरित युद्ध की। दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वास, यानी वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स विद गैस यानी कि गैस वाले युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स विद फायर यानी अग्नि वाले युद्ध की तैयारी करते हैं। दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वास, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वे लोग जो गैस वाले युद्ध की तैयारी करते हैं, और वे लोग जो अग्नि वाले युद्ध की तैयारी करते हैं। विक्ट्री यानी कि विजय होगी, विद नो सर्वाइवर्स, जिसमें कोई जीवित नहीं होगा। दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वास, वास विद गैस, वास विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, यानी वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, गैस वाले युद्ध की तैयारी करते हैं, अग्नि वाले युद्ध की तैयारी करते हैं, और वे एक ऐसी विजय को प्राप्त करेंगे जिसमें कोई भी जीवित नहीं होगा। और यही दोज हू फिर आगे काम करेगा, दोज हू गुण, और वे लोग जो प्रोटोन पहनेंगे, प्रोटोन माने पहनेंगे क्लीन क्लॉथ यानी कि साफ सुथरे कपड़े, एंड और वॉक चलेंगे अबाउट इधर उधर विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, अबाउट विद देयर ब्रदर्स यानी अपने भाइयों के साथ, इन द शेड, छाव में, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए। तो कहते हैं दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी कि वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, गैस वाले युद्ध की तैयारी करते हैं, अग्नि वाले युद्ध की तैयारी करते हैं, वे ऐसे विजय को प्राप्त करेंगे जिसमें कोई भी जीवित तो नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, वे लोग साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे और छाव में कुछ ना करते हुए अपने भाइयों के साथ इधर उधर टहलेंगे। और आगे कहते हैं पोइट कि वॉट माने जो कुछ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, वॉट आई वॉन्ट जो कुछ मैं चाहता हूँ, पोइट क्या चाहता है, बस एक क्षण के लिए शांति चाहता है, वह ये कह रहा है वॉट आई वॉन्ट जो कुछ मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उस बात से आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, कन्फ्यूज माने भ्रमित होना, वॉट आई वॉन्ट जो कुछ मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उस बात से आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। कि आप समझ लें कि विद टोटल इनएक्टिविटी यानी कि आप संपूर्ण निष्क्रिय हो जाएं, अर्थात आप कुछ आगे करें ही ना, या कर्महीनता भी कह सकते हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि जो कुछ भी मैं चाहता हूं आपको संपूर्ण निष्क्रियता मानकर उससे भ्रमित होना नहीं है। और आगे कहते हैं लाइफ इज, जीवन तो वह है, वॉट इट इज अबाउट, जिसका जो कुछ भी इसका उद्देश्य है, लाइफ इज, जीवन तो वह है, वॉट इट इज अबाउट यानी कि जो कुछ भी इसका उद्देश्य होता है या जिसके बारे में यह है, जीवन तो वह है जिसके बारे में यह होता है, अर्थात कहने का मतलब वह है कि जीवन वह है जिसे चलते रहना चाहिए। और कहते हैं आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ नो ट्रक, कोई भी सौदा, ट्रक माने सौदा करना या लेन देन करना, विद डेथ, मृत्यु से, अर्थात वे कहते हैं जीवन तो वह है जो जीवन को होना चाहिए, अर्थात जिन उद्देश्यों से जीवन है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि मैं मृत्यु से कोई भी लेन देन या सौदा नहीं करना चाहता हूं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु से कोई भी लेन देन करना नहीं चाहता हूं।
और आगे कहते हैं इफ यदि वी वर नॉट, वी माने हम लोग, वर नॉट नहीं होते हैं सो सिंगल माइंडेड, इतने एकाग्र चित्त, सिंगल माइंडेड माने एकाग्र चित्त, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने एकाग्रचित नहीं होते हैं अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, अबाउट के बारे में या के संबंध में, कीपिंग मूविंग आगे बढ़ाने के अवर लाइफ्स अपने जीवन को, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, यदि हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के संबंध में इतने एकाग्रचित नहीं होते हैं, एंड और फॉर वंस एक बार के लिए कुड डू नथिंग और कुछ नहीं करते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और एक बार के लिए कुछ नहीं करते हैं, कहने का मतलब है पावला नेरुडा जी का कि यदि हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के संबंध में एकाग्र चित नहीं होते हैं और एक क्षण के लिए या एक बार के लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या होगा, परहैप्स संभवतः अ ह्यूज साइलेंस, एक विशाल चुप्पी होगी, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, एक विशाल चुप्पी होगी, माइट इंटरप्टेड, जो बाधित कर देगी दिस सैडनेस, इस उदासी को या इस दुख को, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, तब संभवतः एक विशाल चुप्पी इस दुखी या उदासी को बाधित कर सकती है, इंटरप्टेड माने होता है बाधित करना, किसको, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, जिसे कभी नहीं समझा है अवर सेल्फ्स, हम लोगों ने, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ्स, यानी संभवतः एक विशाल चुप्पी उस समझ को जिसे हमने कभी नहीं समझा है इस उदासी को बाधित कर सकती है, और किसे, एंड और ऑफ थ्रेटनिंग, धमकी को अवर सेल्फ्स अपने आप को विद डेथ, मृत्यु वाली, और मृत्यु वाली धमकी को भी जो उदासी है उसे भी बाधित कर सकती है, अर्थात जब हम लोग अपने बारे में सोचेंगे तो कुछ ठीक ठाक ही करेंगे, तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में एकाग्रचित नहीं होते हैं और एक बार के लिए कुछ नहीं करते हैं, संभवतः यह विशाल चुप्पी अपने लिए या अपनी जो समझ है जिसे हमें कभी नहीं समझा है और मृत्यु की जो भय की धमकी है उस उदासी को या उस दुख को यह बाधित कर सकती है। और अगला आपका स्टैंजा दिया है, परहैप्स संभवतः द अर्थ, पृथ्वी कैन टीच, सिखा सकती है अस माने हम लोगों को, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद या संभवतः पृथ्वी हम लोगों को सिखा सकती है, क्या सिखा सकती है, एज जैसे, व्हेन जब, एवरीथिंग प्रत्येक चीज है, सीम्स दिखाई देती है, डेड माने मृत, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, संभवतः जब पृथ्वी हम लोगों को सिखा सकती है जैसे जब प्रत्येक चीजें मृत दिखाई देती हैं, एंड लेटर प्रूफ्स और बाद में सिद्ध कर देती हैं टू बी अलाइव जीवित होना, एंड लेटर प्रूफ्स टू बी अलाइव और बाद में जीवित होना सिद्ध कर देती हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने बीज वगैरह देखे होंगे गांव से होंगे, तो हम लोग गाँव में जो खेती करते हैं तो बीज को जमीन में लगा देते हैं, वो दो तीन दिन में निर्जीव ही रहता है, लेकिन जब वह पौधा बन जाता है तो वह सजीव होता है। तो ये कह रहे हैं कि शायद इस बात को पृथ्वी हम लोगों को सिखा सकती है, जैसे जब प्रत्येक चीज यथार्थ बीज होता है वह एक डेड दिखाई देता है और बाद में वह अंकुर निकलने लगते हैं तो वह एक जीवित प्रतीत होता है। और कहते हैं लास्ट में कि नाउ वी विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।